गाइडलाइन किसी को चाहिए मैं दे दूंगा, इस चीज को फॉलो मत करना, ये सिर्फ वो है जो मैंने किया है। मैं उस बॉडी वेट के साथ बहुत ज्यादा ना अनकंफर्टेबल फील करना शुरू हो गया था। तब मैंने डिसाइड किया कि भाई अब टाइम आ गया वापस थोड़ा ना जरा शेप में आए। मैं नेचुरल हूँ, मैंने कभी कोई किसी किस्म का स्टेरॉइड नहीं यूज किया। इतने झूठे फ्रॉडी ट्रेनर हैं, उन सबको एक्सपोज करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो मेरी जान के टोटो, क्या हाल चाल तुम सब लोगों का, कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग खैर खैरियत से होगे, मजे में होगे, बिंदास होगे। तुम्हारा भाई भी एकदम चक आस है। तो भाई मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई तुझे हो क्या गया है, तू डाइट कर रहा है, तू कर क्या रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है वो तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने रमजान में जो है अपना कट स्टार्ट किया था। अगर तुम पिछला कोई भी व्लॉग उठा के देखोगे तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि मैं कितना मोटा था। मतलब मैं ओबेस वाला मोटा नहीं था, लेकिन खबीस वाला मोटा था। तो मोटा मैं खैर था, ठीक है। मैं असल में कर रहा था पावर लिफ्टिंग, ठीक है। और पावर लिफ्टिंग के लिए आपको खाना पड़ता है वावई। अब मैं ज्यादा खाना खा के गंद खा के मैं क्लीन भी खा सकता था, अच्छा खाना खा सकता था, लेकिन मुझे था कि भाई मैंने वेट गेन करना है। ये सब उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमने एक स्पेसिफिक गोल रखा हुआ माइंड में कि हमने इतना वेट गेन करना है। वेट गेन करने से ज्यादा मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आप दिखते कैसे हो। वेट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, वेट की टेंशन नहीं लेनी, मसल की टेंशन लेनी है कि भाई मसल होना चाहिए आपकी बॉडी पे। कहानी स्टार्ट होती है 2018 में, जब मेरी दादी का इंतकाल हो गया था और मैं दीवार में टकरे मार रहा था। मेरे पास कुछ करने को नहीं था। अब मुझे पता चला कि भाई पावर लिफ्टिंग नाम की कोई चिड़िया है। तो भाई ने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की और पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करने के बाद मेरी बहुत सारी इंजरीज थी, मुझे उससे भी ओवरकम करना था। इंजरीज से ओवरकम करने के लिए आपको वेट गेन करना पड़ता है, तो भाई ने भी किया। 2018 से लेकर 2024 तक मैंने सिर्फ बल्क ही किया और बल्क करते करते आपका भाई लड़के से बन गया अंकल। हाँ माना के बच्चे हैं मेरे, लेकिन अंकल मैं अभी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे माइंड में एंड गोल यही था कि मैंने एक बड़ा कंपटीशन लड़ना है, वो लड़ लिया, वो जीत भी गए, नेशनल चैंपियन भी बन गए। लेकिन मैं उस बॉडी वेट के साथ बहुत ज्यादा ना अनकंफर्टेबल फील करना शुरू हो गया था। मैंने डिसाइड किया कि भाई अब टाइम आ गया वापस थोड़ा ना जरा शेप में आए, मसल मुसल थोड़ा सा और गेन करें, फैट लूज करें। एक चीज मैं बताता चलूं कि भाई मैं नेचुरल हूं, मैंने कभी कोई किसी किस्म का स्टेरॉइड नहीं यूज किया हुआ। मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों को इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर तुम लोगों को इस तरह का कंटेंट अच्छा लगा तो हम बहुत सारे लोगों को एक्सपोज भी करेंगे। जितने झूठे फ्रॉडी ट्रेनर हैं उन सबको एक्सपोज करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भाई आगे प्लान क्या, प्लान बहुत खतरनाक आने वाले हैं। हेयर कट मैंने किस तरह से किया मैं वो तुम लोगों को बता देता हूँ। इंतहा से ज्यादा इजी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पता नहीं क्यों लोग फिटनेस को ना बहुत ज्यादा मुश्किल बना लेते हैं। भाई करना बड़ी सिंपल सी चीज है। तुम लोगों ने अपने माइंड में एक चीज रखनी है, अगर तुम लोगों ने डाइट कर ली तो हो सकता है तुम लोगों को जिम जाने की भी जरूरत ना पड़े। घर पे अगर तुम लोग डंबल शंबल ले आओ, तुम लोग घर पे बैठ के अच्छी डिसेंट फिजिक बना सकते हो। नहीं बनानी, अच्छी फिजिक बनानी है फिर जिम चले जाओ, ठीक है। एक क्रैश डाइट नाम की एक चीज होती है जिसमें आप बहुत ही ज्यादा ना एकदम से खाना कम कर देते हो, वो मैं रेकमेंड नहीं करता, ना ही वो करना चाहिए। मैंने वो किया है लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर आप क्रैश डाइट करते हो तो उसके बाद फिर ये होता है कि आपको दोबारा गेन करना पड़ता है। मैंने कट कर लिया, मैंने 75 केजी बॉडी वेट से कट स्टार्ट किया और मैं 61 केजी तक आया हूँ, ठीक है। 61 केजी बॉडी वेट पे आके मुझे फील होना शुरू हो गया यार मैं बहुत ज्यादा ना वीक हो गया हूँ। मेरे से जिम में वेट शेड भी नहीं लग रहा, मैं बहुत ज्यादा पतला हो गया। हाँ वेन्स निकल आई, एब्स थोड़े बेहतर हो गए, डेफिनेशन बहुत आ गई, कट शर्ट वाह वही आ गए, लेकिन वो इतना हेल्दी नहीं है। उसकी वजह से जब आप इतना कम खाना खा रहे हो तो फिर मूड स्विंग्स बहुत आते हैं। और फैमिली वाला बंदा जिसके घर में बीवी बच्चे हो, उसके लिए क्या, नॉर्मल बंदे के लिए भी मूड स्विंग्स आना कोई अच्छी बात नहीं है। आपके हॉर्मोन्स जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। लड़कियों का तो खासतौर पर भाई, लड़कियों को अगर मूड स्विंग्स आ जाए तो घर तो खत्म है घर। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं डाइट क्या ले रहा था। इस डाइट को तुम लोगों ने फॉलो नहीं करना। अगर किसी को डाइट प्लान चाहिए तो मैं बना दूंगा, मेरा नीचे अकाउंट एक मैं टैग कर रहा हूँ फिटनेस वाला, उस पे जाना, मुझे मैसेज कर देना, मैं वहां पे तुम लोगों को डाइट प्लान बना के दे दूंगा। लेकिन डाइट प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो, वर्कआउट प्लान भी ले सकते हो, जिस तरह तुम लोग करना चाहो तुम लोग कर सकते हो, लेकिन कोई भी चीज फ्री नहीं होगी, ये मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सस्ता कर दूंगा, स्टूडेंट डिस्काउंट ऑन है, इजी सीन है, ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करूंगा मैं, लेकिन फ्री नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी मैं फ्री करता हूँ लोग भाई उस चीज को ना इतना गलत यूज करना शुरू हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ, इज्जत नहीं करते फिर वो फ्री की चीज की, समझ रहे हो। नाश्ते में अंडे खा रहा था, 3 से 4 अंडे खाता था, साथ में अपना एक कप पीता था चाय का या कॉफी का, ठीक है, चाय पीता था, कॉफी ऐसे फ्लेक्स करने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं जाता था जिम जाके ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद भाई वहाँ पे फिर खाता था 3 से 4 होल एग, दोबारा अंडे, गर्मी है अच्छे, और साथ में पी रहा था एक प्रोटीन शेक।
कार्ब्स मेरी जिंदगी से खत्म हो चुके थे। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वैसे तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या क्या खा रहा था, ठीक है। इसके बाद डिनर जो होता था वो मेरा होता था एक बहुत बड़ा मील, तुम उसको कह सकते हो कि मैं वन मील अ डे वाला सीन कर रहा था। घर आके ट्रेनिंग करके सारा कुछ करके थका हुआ आके उसमें मैं कुछ 400 ग्राम चिकन या 400 ग्राम कोई भी मीट ले लेता था, बीफ भी हो जाता था, कभी फिश भी हो जाती थी, साथ में पास्ता राइस इस तरह के कार्ब्स थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से, कोई 50 ग्राम 60 ग्राम के आसपास, इससे ज्यादा नहीं। तो भाई ये मैं डाइट ले रहा था, लेकिन इस डाइट के बाद मुझे थोड़ा सा ज्यादा चक्कर चक्कर आना शुरू हो गया, थोड़ा सा काम खराब होना शुरू हो गया। इसीलिए कह रहा हूँ मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, डाइट प्लान किसी को चाहिए मैं दे दूंगा, इस चीज को फॉलो मत करना, ये सिर्फ वो है जो मैंने किया है। बाकी अगर तुम लोग खाली पेट भी वर्कआउट करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो। मैंने ये हिसाब इस तरह से लगाया कि भाई मैंने इस रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे रोजे रखे, आई थिंक एक शायद एक या दो रोजे मेरे छूटे होंगे। मैंने भाई रोजा रख के जो है ना वर्कआउट किया, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार वर्कआउट करने के लिए आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है, मतलब प्री वर्कआउट की कोई खास जरूरत नहीं है, आपका जो स्टोर्ड बॉडी फैट है वो इतना काम कर जाता है कि आप आराम से वर्कआउट कर सकते हो। बल्कि मैंने ये चीज नोट की कि भाई आप खाली पेट वर्कआउट करते हो तो आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। शुरू में नहीं होगा, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद आपका एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली। खैर अभी मैं अपने क्लाइंट को पिक करने के लिए जा रहा हूँ, उसको पिक करने के बाद हम लोग जा रहे हैं जिम, और जिम जाके आज हम लोगों ने करना है फुल अपर बॉडी पंप सेशन।